अनुभूतिपूर्वक सुनना। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपने दिल मन की बात खुलकर रख सकते हैं जिसका जीवन कभी ठंडा कभी गर्म होता है, वह कभी व्यंगात्मक कभी दयालु, और उसका व्यक्तिगत आचरण उसके सार्वजनिक आचरण से मेल न खाता हो। भले ही ऐसे व्यक्ति की कितनी भी जरूरत हो, पर कोई भी, चाहे आप हों या कोई और, ऐसे व्यक्ति के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति के सामने अपने विचार, अपने अनुभव तथा अपनी कोमल भावनाएं व्यक्त करने पर हमेशा संशय में रहेगा कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। आमतौर पर आप या हम एक दूसरे के द्वारा कहे शब्दों पर भरोसा नहीं करते जब तक एक दूसरे की परवाह ना करें, या यूं कहें कि एक दूसरे को ना समझ पाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बहुत गुस्से और सुरक्षात्मक रहते हैं, जिससे इतने अपराध बोध होने लगता है कि आपके भीतर सिर्फ भय ही भय समाया रहता है, तब आप किसी दूसरे व्यक्ति के शब्द या वास्तविक सहायता प्रभावित नहीं कर सकते हैं। भले ही भीतर से आप दूसरों की सलाह या मदद की मांग कर रहे हों, ऐसे हालात में पहले समझने की कोशिश करें। इसमें अवधारणा का एक बहुत गहरा परिवर्तन शामिल है। आमतौर पर हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमें पहले समझा जाए। ज़्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते हैं, बल्कि वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। वे या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। वे हर चीज़ को अपने खुद के दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी खुद की आत्मकथा से भरे होते हैं, और अधिकतर लोग खुद के सही होने से भरे होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए, पर व्यक्ति वास्तव में कभी नहीं समझा जाता है। परंतु व्यक्ति वास्तव में कभी समझ नहीं पाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के भीतर क्या क्या चल रहा है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो हम आमतौर पर चार स्तरों में से किसी एक स्तर पर सुनते हैं। पहला, हम सामने वाले को नज़रअंदाज कर दें, यानी उसकी बात बिल्कुल ही ना सुने। दूसरा, हम झूठ मूठ का दिखावा कर सकते हैं। तीसरा, हम कुछ चुनिंदा बातें सुनने का प्रयोग कर सकते हैं, यानी चर्चा के सिर्फ कुछ हिस्सों को ही सुने। चौथा, हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोग पाँचवें स्तर पर सुनते हैं, जो सुनने का सर्वोच्च रूप है, परा अनुभूतिपूर्वक सुनना, यानी एम्पैथेटिक लिसनिंग। हमें यह ध्यान देना होगा कि सुनने की कला में लोग प्रतिबिंबन का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन लोग जवाब देने, नियंत्रित करने और अपना मतलब निकालने के इरादे से सुनते हैं। लेकिन जब हम पराअनुभूतिपूर्वक सुनने की बात कहते हैं, तो इसका सरल मतलब है समझने के इरादे से सुनना। इसका अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति के संदर्भ मानदंड के भीतर पहुँचना। आप दूसरों की अनुभूति के माध्यम से देखते हैं। आप दुनिया को उसी तरह देखते हैं जिस तरह वह देखता है। आप उसके दृष्टिकोण को समझते हैं, और आप यह भी समझते हैं कि वह कैसा महसूस करता है। ध्यान रहे, पराअनुभूति सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति केवल सहमति देना होता है, लेकिन पराअनुभूति पूरी तरह से और गहराई से उस व्यक्ति को समझ लें, भावनात्मक रूप से भी तथा बौद्धिक रूप से भी। और यह पराअनुभूतिपूर्वक सुनना बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह काम करने के लिए त्रुटिहीन जानकारी देता है।